सरकारी नौकरी क्लर्क डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर वैकेंसी, आइए जाने डिटेल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सरकारी नौकरी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग HPSSC ने क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर 32 पदों के लिए 379 वैकेंसी निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश SSC की वेबसाइट hpssb.hp.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी कि लास्ट डेट है वो है 9th of May 2021, यानी कि 9 मई से पहले आपको एनी हाउ फॉर्म को फिलअप कर लेना है। इन सारे पदों के लिए शैक्षिक योग्यता भिन्न भिन्न है। इसके लिए 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन डिग्री तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वैकेंसी के विवरण के बारे में। तो कुल जो पद है वो है 379, स्टाफ नर्स के लिए 90, फॉर्मलिस्ट के लिए 100, बी कीपर के लिए 4, डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 2, मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए 1, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए 5, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 23। इसी तरीके से पद जो है वो भिन्न भिन्न है। आवेदन शुल्क के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग और EWS के लिए 360 रुपये फीस है। जनरल दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर का रिश्तेदार या एक्स सर्विसमैन के रिश्तेदार के लिए 120 रुपये हैं। हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC के लिए 120 रुपये के लिए है और महिला अभ्यर्थी के लिए निःशुल्क आवेदन है। आवेदन करने में आप यहाँ से मांग सकते हैं मदद, किसी भी तरीके की गाइडेंस सूचना और स्पष्टता के लिए आप अभ्यर्थी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश SSC के रिसेप्शन काउंटर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 01972222204। ठीक है, जो भी नंबर है मैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।